मैं आप लोगों के सामने मैं अपना खुद का विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि नया साल कैसे मनाना चाहिए। नया साल आता है, हमें खुशी से स्वागत करना चाहिए। सबका अपने अपने एटीट्यूड से स्वागत कीजिए, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने स्वैग से करिए। लेकिन जो तरीका होना चाहिए हमारे विचार से, मैं ये सोचता हूँ कि नया साल यानी कि नई चीज़, पुरानी चीज़ गई। नया कपड़ा कब हम कहेंगे? जब उस पुराने कपड़ों को छोड़कर जब नया चीज़, नया कलर हो, कुछ हट कर उसमें होता है, तब उस चीज़ को हम चूजते हैं। उसके बाद उसको हम नया कपड़ा कहते हैं कि मैंने नया कपड़ा लिया है, मैंने नया कपड़ा खरीदा है। उसी तरीके से नया साल आया तो हमारे अंदर कुछ नई चीज़ें भी आनी चाहिए, नई चीज़ों का प्रवेश होना चाहिए हमारे अंदर, अंतर आत्मा में आदतें हमारी बदलनी चाहिए। मैं इसी मुद्दे पर बात करूँगा, हमारी कुछ आदतें चेंज होनी चाहिए। हम लोग जो भी पिछले साल में किए हैं, जो भी गलत काम किए हैं या जो भी हमने कर नहीं पाया, उस चीज़ को इस साल पूरा करना चाहिए। ये हमें अपने आप से ये वादा करना चाहिए, अपने आप से ये कमेंट करना चाहिए कि इस साल मैं जो उस साल जो अधूरी चीज़ रहेगी उसको मैं इस साल पूरा करूँगा, कुछ नई आदतें अपनाऊँगा, कुछ अच्छी आदतें अपनाऊँगा। बुरी चीज़ ऐसी है जो एक आग के जैसे फैलती है, लगे जंगल में आग के जैसे फैलती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरी चीज़ अगर आप बंद कमरे में करते हैं तो इतना दूर तक चला जाएगा, आपको अनुमान नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पब में एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पर पब, डांस बार वगैरह 10 गाँव के लोग वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन खुले स्थान में अगर आप जलसे हो रहे, जग हो रहे हो, वहाँ पर आपको 10 गाँव के लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन बुराइयाँ जिस बंद रूम में भी हो रही हैं, वहाँ पर 10 गांव के आपके लोग मिल जाएंगे। तो हमें अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसको इस साल अपने आप से कमेंट करके ख़त्म करना चाहिए। मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, उसको आप, उस लाइन को भी आप एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसलिए कि जो मैसेज होता है, मैसेज ऐसे फैलता है कि हमें आपको अनुमान भी नहीं होगा। बुरी जो मैसेज है हमारे परिवार में, हमारे घर में, ऐसे फैलेगी आपको अनुमान भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक बताता हूँ, हमारे अंदर जो मैसेज है अच्छी होनी चाहिए। कैसे मैसेज फैलता है? एक बार एक परिवार होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, बीवी उसके पति के मन में अपने ससुर को वो बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में वो खाना परोसती है। उसका लड़का होता है, लड़का बड़ा हो जाता है, लड़का बहुत दिनों से खेल देख रहा होता है कि सब लोग अच्छे बर्तन में खाते हैं, लेकिन दादाजी हैं जो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, दादाजी जो हैं वो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। एक दिन दादा से कहा, दादा आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? दादा ने कहा, हाँ पाना चाहता हूँ। तो लड़के ने उपाय बताया कि आप जब मम्मी खाना आपको देने आए तो इस जो घड़ा है, मिट्टी है, जो कांच के बर्तन, इसको आप फोड़ दीजिएगा। अगले दिन वैसे ही होता है, जब वो परोसने आती है खाना, उसके दादा होते हैं, बर्तन को उठाते हैं, फोड़ने के लिए तैयार हो जाते, तब तक लड़का आता है, रोक देता है, बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो गुस्सा होते कहते हैं, तुम्ही ने तो ये उपाय बताया था। हाँ मैंने ही बताया था। तो उसकी मम्मी देखती हैं तो लड़का जवाब देता है, बाबा आप क्या कर रहे हैं? अगर आप आज इस घड़े के बर्तन को फोड़ देंगे तो आने वाले समय में मैं अपने मम्मी पापा को किस बर्तन में दूंगा? अगर आप फोड़ देंगे तो मैं आने वाले समय में अपने मम्मी पापा को इस बर्तन में खाना नहीं दे पाऊंगा। इससे उसके मम्मी को सीख मिलती है, यानी कि जो हम करेंगे वो मैसेज हमारे लड़के में, हमारे जनरेशन में चला जाएगा। अगर हमारे अंदर बुराइयाँ, अगर हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ हो, बहुत सरलता से किसी भी जनरेशन में, किसी भी घर के व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है। इसलिए मैंने कुछ लाइन मैंने देखा बहुत, अरे यहाँ तक कि मैंने वेबसाइट पर सर्च किया, वहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ ब्लॉगर लोग हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखते हैं कि यार मैं देख के, थैंक्स छोड़िए जो भी हुआ, मैंने एक ब्लॉगर को देखा, उस पर देखा कि मैंने लिखा कि नए साल कैसे मनाया जाए, तो उन्होंने लिखा था कि यार विस्की के साथ मनाना चाहिए, साथ में अपनी पार्टनर हो, साथ में एक विस्की का ग्लास हो, शराब हो, दारू हो। यार ये तरीका नहीं है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बुरी आदत छोड़कर अपने अच्छे आदतों को अपनाइए, नई आदतों को अपनाइए। वहाँ पर बता रहे हैं शराब पीजिए, ऐसे ऐसे कुछ लोग ब्लॉगर हैं, तो इन पे फेक चीज़ों पर ना जाइए। मैं आपको कुछ लाइन बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो असल में आपका नया साल होगा। इस नए साल से अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला, लोगों से जब भी मिलिए आप मुस्कुराहट के साथ मिलिए। यस, जब भी आप किसी से भी मिलिए तो आप मुस्कुराइए, उसके बाद मिलिए। दूसरा, बोलने से पहले सुनिए। दूसरा है, बोलने से पहले सुनिए किसी को भी जो इससे भी बात कर रहे हैं, कुछ उसको कहने से पहले उसकी बातों को सुनिए। तीसरा, बिना अपना फायदा सुने, बिना अपना फायदा सोचे सामने वाले का मदद करना की सोचिए, सामने वाले की मदद कीजिए। चौथा, अपने वेशभूषा पर ध्यान दीजिए, अपने कपड़ों को सबसे उत्तम बनाइए। पांचवा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए,
अनहेल्दी जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए। आप ऐसे एक व्यक्ति को रोजाना ढूंढिए जिसकी प्रशंसा कर सके, जिसकी आपको दिल से प्रशंसा कर सके, यार तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, जादू टोना पर आप विश्वास करना छोड़ दीजिए। ये जो गांव देहात में होते हैं कि फलाना के यहाँ साधु बाबा हैं, तुमसे ये कराने से ही हो जाएगा, ये सब अंधविश्वासों से आप दूर हो जाइए। जादू टोना से विश्वास अपना तोड़िए, इन चीज़ों पर आप विश्वास ना करिए। अगर ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इतना आप शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि एक एक लोगों तक ये मैसेज पहले, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत। सो थैंक्स।